अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक अनदर वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आपने मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना है कि आप किस जगह से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, पाकिस्तान के कौन सी सिटी से और इंडिया के किस सिटी से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो आज मैं आपको ड्राइवर हाईवे हीरो के बारे में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। तो जैसा कि आप जानते हैं, ड्राइवर हाईवे हीरो प्री रजिस्ट्रेशन के लिए आज से एक मंथ तकरीबन पहले प्ले स्टोर पर और ऐप स्टोर पर आ चुकी थी, लेकिन अभी तक ये प्री रजिस्टर के अंदर है, हम इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो डेवलपर ने हमें एक न्यू मैसेज दे दिया है कि हम नेक्स्ट हफ्ते इसकी बीटा टेस्टिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ये कन्फर्म हो गया है कि अगले हफ्ते इस गेम की बीटा टेस्टिंग स्टार्ट होने वाली है और बीटा टेस्टिंग के अंदर बहुत मेंबर होने वाले हैं। मतलब ये नहीं है कि 8-10 मेंबर या 50 मेंबर होंगे, मैक्सिमम 1000 या 1500 मेंबर इस बीटा टेस्टिंग के अंदर होने वाले हैं। और डेवलपर हमें बीटा टेस्टिंग का लिंक देगा, मैं लिंक भी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। जो भी लिंक डेवलपर प्रोवाइड करेगा वो लिंक मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और नेक्स्ट हफ्ते इसकी बीटा टेस्टिंग स्टार्ट होने वाली है, ये कन्फर्म हो गया है। इस गेम का नाम है ड्राइवर हाईवे हीरो, जो कि वेपनॉन और वेंडा सॉफ्टवेयर मिलकर इस गेम पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि इस गेम में जो सबसे बेस्ट फीचर होने वाला है वो है मल्टीप्लेयर मोड। मल्टीप्लेयर मोड इस गेम का सबसे बेस्ट फीचर होने वाला है। जो न्यू मेंबर हैं, जो न्यू प्लेयर हैं, उनको ये नहीं पता कि जो इस गेम में मल्टीप्लेयर मोड होने वाला है वो ही मल्टीप्लेयर मोड ट्रैकर ऑफ यूरोपियन 3 में आपको देखने को मिलेगा। ये जो न्यू गेम वंडा सॉफ्टवेयर और वेबप्रून सॉफ्टवेयर मिलकर काम कर रहे हैं, इस गेम को सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि हम जो ट्रैकर ऑफ यूरोपियन 3 में फ़ीचर शामिल करते हैं वो सबसे पहले हम वेबप्रून जो और वंडा सॉफ्टवेयर मिलकर न्यू गेम बना रहे हैं ड्राइवर हाईवे हीरो, उसमें टेस्ट करेंगे और उसके बाद ये फीचर ट्रैकर ऑफ यूरोपियन 3 में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसमें जो सबसे बेस्ट फीचर है वंडा एमपी, मतलब वंडा मल्टीप्लेयर मोड, ये जो फीचर है ये ड्राइवर हाईवे हीरो में ऑलरेडी ऐड हो चुका है। जो ही ये बीटा टेस्टिंग स्टार्ट होगी उसके बाद ये फीचर आपको ट्रैकर ऑफ यूरोपियन 3 में देखने को मिल जाएगा। जैसा कि केबन एक्सेसरीज हो गए, मल्टीप्लेयर मोड हो गया, डीएलसी मोड सिस्टम हो गया, ये सब चीज़ें पर काम कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ डेवलपर इसलिए ऐड नहीं कर रहा कि हम इसको पहले टेस्ट करें। अगर ट्रैकर ऑफ यूरोपियन 3 में टेस्ट करते हैं तो इसमें काफ़ी ख़राबियाँ आ जाती हैं, काफ़ी प्लेयर को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ड्राइवर हाईवे हीरो को इस गेम में टेस्ट करेंगे और यही फीचर ट्रैकर ऑफ यूरोपियन 3 में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि अभी इस गेम को एक मंथ हो गया है प्री रजिस्ट्रेशन के लिए आए हुए, और मैक्सिमम जो प्ले स्टोर की तरह होती है कि 3 मंथ के अंदर अंदर अगर गेम रिलीज़ ना करे डेवलपर तो वो प्ले स्टोर ऑटोमेटिक गेम को रिलीज़ कर देता है। अभी एक मंथ गुजर गया, बाकी 2 मंथ रह गए हैं। इससे पहले पहले डेवलपर ने बीटा टेस्टिंग स्टार्ट करनी है, तो इसलिए डेवलपर ने कह दिया है कि हम नेक्स्ट हफ्ते बीटा टेस्टिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर वो बीटा टेस्टिंग स्टार्ट नहीं करते तो ऑल प्लेयर को ये गेम 2 मंथ के बाद मिल जाएगी, इसलिए उन्होंने बीटा टेस्टिंग को स्टार्ट करना है। अगर बीटा टेस्टिंग से बाद डेवलपर गेम को पब्लिक वर्जन में रिलीज़ कर देता है तो ठीक, नहीं तो 2 मंथ के बाद ये गेम ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगी। 2 मंथ से ये लेट नहीं होगी, 2 मिनट से पहले पहले अगर डेवलपर रिलीज़ कर देता है तो ठीक है, अगर नहीं होगी तो 2 मंथ के बाद प्ले स्टोर ऑटोमेटिक ये गेम रिलीज कर देगा। मैं उम्मीद करता हूं आज आपको ये पता चल गया होगा कि ये गेम बीटा वर्जन में कब रिलीज़ होने वाली है और पब्लिक वर्जन में कब रिलीज़ होगी और इसमें कौन कौन से फीचर होने वाले हैं। जो सबसे बेस्ट फीचर है जिसकी डिमांड भी बहुत है, मल्टीप्लेयर मोड। तो उम्मीद करता हूँ आज वाली वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।